लगातार दोस्तों रुक करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर का। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें मायावती जी का ब्राह्मणों से उठा मन। आपको बताने की कोशिश करें तो बसपा सुप्रीमो मायावती जी का ब्राह्मणों से पूरी तरह से विश्वास हट गया। ये बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए और बसपा की करारी हार हुई, बसपा सुप्रीमो मायावती जी लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं और पार्टी के कोऑर्डिनेटर साथ ही पार्टी के जो प्रभारी थे उनको लगातार उन पर गाज गड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपको बता दें बहुजन समाज पार्टी ने अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बता दिया कि ब्राह्मणों पर अब विश्वास नहीं रहा है। आपको बता दें बहुजन समाज पार्टी यानी संसदीय दल के नेता अंबेडकर नगर से गिरे, आपको बता दें रितेश पांडे थे। रितेश पांडे वही हैं जिनके पिता राकेश पांडे विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। साथ ही बहुजन समाज पार्टी के संसदीय दल के नेता रितेश पांडे थे जो पूरी तरह से जिम्मेदारी संसद में उठा रहे थे बहुजन समाज पार्टी की। लेकिन आपको बता दें चुनाव हारने के बाद बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने एक विप जारी करते हुए स्पष्ट तौर से बताया कि गिरीश चंद्र जाटव को संसदीय दल का नेता बनाया जाता है, राम शिरोमणि वर्मा और साथ ही आपको बता दें जाटव समाज से तीनों आने वाले नेताओं को तीनों को अहम जिम्मेदारी दी गई है लोकसभा में। लोकसभा में आपको बता दें पहले रितेश पांडे पर जिम्मेदारी थी, उसके बाद आपको बता दें राज्यसभा में ब्राह्मण समाज के कद्दावर नेता जो आपको बता दें जिस प्रकार से सतीश चंद्र मिश्रा पर जिम्मेदारी थी। लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा तो राज्यसभा में बरकरार है, लेकिन उसके बाद आपको बता दें बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने रितेश पांडे को पद से हटा दिया। इसका मुख्य कारण यह भी बताया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी छोड़कर उनके पिता समाजवादी पार्टी से विधायक बन के आए। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी का किला था अंबेडकर नगर वो ढाता हुआ नजर आया, इसी कारण से कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती जी का ब्राह्मणों से उठ गया है विश्वास।